वेलकम टू कोर सिटी गाइस। सो आज हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे जो 1773 टू 1947 आए। ठीक है, तो हमें पता है कि 1600s में ब्रिटिश यहाँ पे आए, अराउंड 200 ईयर्स हमारा यहाँ पे रूल किया। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो रेगुलेशन था वो उन्होंने 1773 में फर्स्ट एक्ट लाके स्टार्ट किया। ठीक है, उससे पहले क्या था, वो ट्रेडर्स थे एंड आफ्टर दैट दे बिकम द रेगुलेटर्स एंड रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो फर्स्ट टाइम दे गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ 3 states, दैट इज बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, जब उनको वो राइट्स मिले उसके बाद दे स्टार्टेड के सारे लैंड रिफॉर्म्स करना, ठीक है, उनके ऊपर रूल करना वो स्टार्ट किया। तो 1773 का जो फर्स्ट एक्ट है तो उसी के थ्रू क्या था, सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फंक्शंस आना स्टार्ट हुए इन द ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। क्यों बनाया, ये टाइटल इसलिए चेंज हुआ कि हम उनके पास कुछ डोमिनियंस और भी थे तो उन सबको एक सेंट्रलाइज पावर दे के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स दे के। उसके बाद 1781 में कुछ अमेंडिंग एक्ट आया जो रेगुलेटिंग एक्ट में उन्होंने एड ऑन्स करने थे। 1784 में बेसिकली अ डिकेड आफ्टर द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें उन्होंने कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए, उन्होंने देखा कि एक सिंगल पर्सन या एक सिंगल एडवाइजरी बॉडी कांट हैंडल ऑल द पॉलिटिकल, कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वे आउट्स, तो उसके लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाना स्टार्ट किया इन 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। फाइन, तो ये जब बना तो उसके थ्रू क्या था, सारे कमर्शियल फंक्शन, पॉलिटिकल फंक्शंस, ये सारे अलग अलग लोग संभालना स्टार्ट हो गए टू बेटर एडमिनिस्ट्रेट द टेरिटरी अंडर द ब्रिटिश। उसके बाद है 1786 में कॉर्नवालिस एक्ट आया। इसको कॉर्नवालिस एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, उसके बाद 1793 से ये जो ग्रीन में दिए हुए हैं दीज आर द चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट बेसिकली क्या है, जो रेगुलेटिंग एक्ट थे पहले, ठीक है, उसमें क्या चीजें उनको कंटिन्यू करनी है और क्या चीजें डिप्लीट करनी है वो सारी चार्टर एक्ट में उन्होंने फिगर आउट की। बेसिकली 2 decades में दे फिगर्ड आउट कि कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं टेरिटरी। तो चार्टर एक्ट में बेसिकली हमने मोनोपोली जो पहले थी उसको 20 इयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एंड लेटर ऑन वो मोनोपोली जो थी वो सिर्फ टी में रखी और ट्रेड विद चाइना में रखी, अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो थी हटा दी थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट है दैट इज मैक्सिमम सेंट्रलाइजेशन कर दी थी। उस टाइम पे उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम टाइटल दिया था एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, तो कैसे था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया तो दैट मीन्स वो उनको हाईएस्ट सुप्रीम पावर दे दी। ठीक है, और जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की सारी टेरिटरीज की काफी सारे फंक्शंस जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही रूल करने थे। उसके बाद है हमारे पास चार्टर एक्ट 4, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। बेसिकली दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब कोवेनेंटर सिविल सर्विसेज, कोवेनेंटेड मतलब जो हायर ऑफिशियल जिससे सेलेक्ट होते हैं वो ओपन कर दी थी। किसके अंडर, 1854 में एक कमेटी बैठी, दैट इज मैकॉले कमेटी। ठीक है, तो उसके थ्रू ये जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क बना। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, वॉइसराय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉइसराय। तो बेसिकली टाइटल चेंज हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वॉइसराय ऑफ इंडिया। वॉइसराय जो था वो रिप्रेजेंटेटिव था क्राउन रूल का, हर मैजेस्टी का। 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, म्यूटिनी हुई। ठीक है, पीपल रिबेलियस हो गए बहुत सारी बैरक्स में और म्यूटिनी हो गई। तो उसके अगेंस्ट कैसे था, लोगों में बहुत सारा अनसेटिस्फेक्शन आ गया था ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। तो कैसे हुआ कि गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लगा कि वहां पे रूल अच्छे से नहीं हो रहा, कंपनी के अंडर लोग खुश नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने कंपनी रूल से क्राउन रूल कर दिया। क्राउन रूल मतलब कि हर मैजेस्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज वॉइसराय वो इंडिया में बैठेगा, डायरेक्शंस उसे कौन देगा, वहां पे बैठी हर मैजेस्टी। उसके बाद ये जो वॉइसराय ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसके अंडर उसको एडवाइस करने के लिए एक सेक्रेटरी रखा, उसके अंडर एक काउंसिल बनी 16 लोगों की, ठीक है, जो उसको एडवाइस करने के लिए रखी गई थी डिफरेंट पर्सपेक्ट्स पे। उसके बाद है हमारे पास 1861 से लेके 1919 तक काफी सारे काउंसिल एक्ट आए। ठीक है, तो 1909 का जो काउंसिल एक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो मॉले और मिंटो जो और वॉइसराय ऑफ इंडिया थे। तो उसके बाद कैसे हुआ कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कम्युनल इलेक्टोरेट हुआ। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम
लोगों को था वो डिफरेंट इलेक्टोरेट हो गया कि मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लोग सिर्फ अपने मुस्लिम इलेक्टोरेट को ही वोट करेंगे और बाकी लोग अपने इलेक्टोरेट को। तो 1919 में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ये आया यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हुआ। बाय कैमरलिज्म मतलब हमारे पास कैसे आ गया कि टू एक काउंसिल और एक असेंबली, ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई, मींस राज्यसभा एंड लोकसभा का सिस्टम आया। डायरेक्टली मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स एलोकेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1927 टू 1930 एक साइमन कमीशन आया जज करने के लिए कि इज इंडिया रेडी फॉर द डोमिनियन स्टेटस, क्या इंडिया अपनी इलेक्शंस के लिए रेडी है, ठीक है। बट साइमन कमीशन में कैसे था कि साइमन कमीशन में एक भी पर्सन इंडियन नहीं था, तो इंडियंस वर नॉट हैप्पी कि एक ब्रिटिश कमीशन है वो इंडिया को कैसे जज कर सकता है विदाउट हैविंग एनी इंडियन इन द कमेटी। तो इस वजह से ब्लैक फ्लैग से उस टाइम पे हमारा साइमन गो बैक के नारे लगा के उनको वापस भेजा गया, ठीक है। उस टाइम पे लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई थी फ्रॉम द सीरियस इंजरीज एंड बहुत सारे लोगों ने रिवोल्ट किया था। उसके बाद 1932 में कम्युनल अवार्ड आया। रामसे कम्युनल अवार्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे जो एक्सटेंशन थी वो डिप्रेस क्लासेस तक चली गई थी, उनके लिए डिफरेंट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हो गया था। तो बेसिकली क्या हुआ, कम्युनल इलेक्टोरेट जो 1909 में हुआ दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1932। 1932 वाज फॉर द डिप्रेस क्लासेस एंड 1909 वाज फॉर द मुस्लिम, ठीक है। 1932 में जो कम्युनल अवार्ड आया तो उससे क्या हुआ, इसके पीछे स्टोरी ये है कि येरावाड़ा जेल में हमारे गांधी जी जो बंद थे उस टाइम पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसीज के लिए फाइट कर रहे थे, हरिजन्स के लिए फाइट कर रहे थे कि उनको भी इवॉल्व किया जा सके, उनको भी अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है, स्पेशल पावर्स दी जा सके। तो उसके लिए डिफरेंट इलेक्टोरेट की डिमांड हो रही थी, बट जब वो गांधी जी से मिले तो गांधी जी ने बोला रेदर देन इंट्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट इलेक्टोरेट फॉर देम कि इंडिया बहुत डिवाइड हो जाएगा पर्टिकुलर कास्ट में सिस्टम्स में, तो वी शुड गिव दम द डिफरेंट स्टेटस। तो उनको डिप्रेस क्लासेस का स्टेटस दे के डिफरेंट रिजर्वेशन दे के हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 1932 में वो पूना पैक साइन हुआ, ठीक है। उसके बाद है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है बिकॉज 60% ऑफ आर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन पिक्ड अप फ्रॉम दैट फेडरल स्ट्रक्चर ज्यूरिसडिक्शन, ये सारे फैक्टर्स जो है हमने 1935 के एक्ट से ही लिए हैं, ठीक है। 1947 में हमारे पास इंडिपेंडेंस एक्ट आया, लास्ट एक्ट आया। तो जब 15 अगस्त 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव रहे, गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया बने टिल द टाइम कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो 1950 में हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट हुए, बिफोर दैट इट वॉज द डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। 1946 में हमारी असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। तो 26 जनवरी 1950 में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है। उसके बाद 1951-52 में इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, एंड थ्रू दैट हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर्स मिले। तो ये सारे एक्ट्स, ये सारी चीजें जो इनएक्ट होती गई टाइम टू टाइम, इसको एक ऐसे पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इवॉल्व हुआ, ठीक है, ओवर द टाइम्स। कुछ कुछ चीजें हर एक्ट से इंट्रोड्यूस होती गई। जैसे हमारे पास ये 1935 का जो एक्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कैसे था कि इंडिया के टेरिटोरियल फैक्टर्स को लेके, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को लेके, हिस्ट्री को लेके ये बनाया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। तो वो हमें अच्छी लग रही थी तो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको इंक्लूड कर दिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। सब्सक्राइब टू कोर्सिटी। बाय।